केंद्रीय बाल शिक्षा केंद्र का जो वैकेंसी आई थी जिसमें आप सभी को मैंने अप्लाई करके दिखाया था, साथ में जो प्रॉब्लम आ रहा था जैसे कि रिसिप्ट प्रिंट करने का, तो उन सभी का मैं पूरा प्रोसेस बताया था, साथ में इसका नोटिफिकेशन भी दिखाया था रीड करके पूरा, और क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन में सही था क्या गलत था उन सभी का मैं पूरा जानकारी बताया था। ठीक है, तो वेबसाइट अपडेट होने के बाद फिर यहाँ पर वेरीफाई का रजिस्ट्रेशन का दिया था ऑप्शन, जो यहाँ पर आप रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके वेरीफाई पर। यहाँ से इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया था किस तरह से आपको वेरीफाई करने के बाद रिसिप्ट को आपको डाउनलोड करना है, जैसे आधार नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के वेरीफाई करना था, यहाँ पर रिसिप्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर आपको जब सब कुछ हो गया तो इसके बाद रिजेक्टेड लिस्ट, कितने कैंडिडेट का रिजेक्टेड लिस्ट जारी किया गया है और कई लोग का वेरीफाई किया गया है, उन सभी का मैं जानकारी दिखाऊंगा किस तरह से आपको रिजेक्टेड लिस्ट को चेक करना है कि आपको रिजेक्टेड लिस्ट में नाम है या नहीं। अगर रिजेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं होगा तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा उसका भी जानकारी पूरी तरह से आपको मैं बताऊँगा कि कहाँ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और कैसे इंटरव्यू होगा। ओके, तो चलिए फिलहाल आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, मन में कहीं भी सवाल आएगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो इस वाले वेबसाइट पर आइएगा, वैसे लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, होम पेज पर आ जाना है, यहाँ पर होम पेज में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन लिखा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर तीन नोटिफिकेशन जारी किया था, पहले आपको जो ये नोटिफिकेशन जारी किया था वैकेंसी के लिए, इसके बाद जब डेट बढ़ाया गया था उसका नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसके बाद फर्स्ट नंबर में नोटिफिकेशन रिजेक्टेड लिस्ट दिया गया है, यानी कि रिजेक्टेड जिनका जिनका हुआ है उनका लिस्ट दिखाया गया है। व्यू पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर PDF आपको डाउनलोड हो जाएगा जो आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस वाले PDF को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है केंद्रीय बाल शिक्षा केंद्र, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जो यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट रिलीजिंग टू एडवांटेज नंबर KBSK जो CBSE BGOE 03-22, ठीक है। सिलेक्शन पोस्टिंग टीचर या कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जो इनका सभी का ये अप्लीकेशन नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि परचेज फाइल ऑफ द ऑफिस नोटिफिकेशन DLED डेटेड 16/2/2024 को ये किया गया था, जिसमें आपको जो रिजेक्टेड लिस्ट या तो जिनका कन्फर्मेशन यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर जो भी है रिजेक्टेड लिस्ट है तो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे इरर होने की वजह से देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, इन परसेज ऑफ दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेटेड दिखना है, लिस्ट ऑफ अप्लीकेशन फॉर द रिजेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी टीचर एंड कोऑर्डिनेटर, रीजन फॉर फाइंडिंग इरर इन द अप्लीकेशन फॉर्म, यानी अप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो इरर जो फाइंड हुआ था ना, जिनका इरर हुआ था उनका यहाँ पर सभी डिटेल दिया गया है, उनका सभी का यहाँ पर अप्लीकेशन नंबर दिया गया है, किनका किनका रिजेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिजेक्टेड लिस्ट केवल जारी किया गया है, इसमें अगर आपका रिजेक्टेड लिस्ट में नाम होगा तो आप ये 100% श्योर रहिए कि आपको यहाँ इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर मोहर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं HR एडमिन का मोहर लगा हुआ है, जो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से अपडेट है। और रही बात यहाँ पर इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू का अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, और कहाँ इंटरव्यू का इसका भी कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। ओके, तो जैसे इसका और नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आप घर बैठे इसका जानकारी ले सकते हैं कि इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सभी फ्रेंड को शेयर कीजिए। ओके, तो फिलहाल अभी तक यही नोटिफिकेशन है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।